द्विवेदी आरटीसीपी न्यूज में आप सभी का स्वागत करता हूँ। हमारी ताजा खबरें आप तक पहुँचती रहे, हमारे नीचे दिए गए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बाजू में आए बेल आइकन को प्रेस करें जिससे हमारी ताजा खबरें आप तक। आइए आज आपको बताते हैं, हल्की सी बरसात में ढलने लगे नव निर्मित नाले। आपको बता दें कि घटिया निर्माण कार व भ्रष्टाचार की खुलने लगी जब पोल, और इन मोटी चमड़ी बालों पर रत्ती भर भी असर नहीं पड़ता। इन्होंने गरीबों के पेट काटकर अपना पेट बढ़ाने में महारत हासिल किया है। तो आइए आज बात करते हैं औरैया जनपद के विकास खंड शहर के ग्राम पंचायत पुरवा खुते मदारी की। वहाँ लाखों रुपए की लागत से जल निकासी के लिए बनाए गए नाले एक के बाद एक ढलने लगे हैं। नाले के निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर प्रश्न चिन्ह लगना शुरू हो गया है। लगभग एक माह पहले सहार पुरवा खुते मदारी मार्ग पर बना नाला हल्की सी बरसात में ढह गया था, उसकी मरम्मत भी नहीं हो पाई थी। अभी कुछ दिन पहले ही स्वामी विवेकानंद इंटर कॉलेज के पास बना नाला भी मामूली सी बरसात में ढह गया। आपको बता दें कि ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि ग्राम प्रधान व अन्य अधिकारियों की मिलीभगत से नाला निर्माण में जो की गई मानकों की अनदेखी को पूरी तरह से उजागर कर दिया है। शहर में बीते कुछ माह पहले ही निर्मित नाले को एक के बाद एक गिरने शुरू हो गए थे। आपको बता दें यह नाले हल्की सी बरसात को भी झेल नहीं पाए और पहले ही नाले में लगभग 20 फीट का एक बड़ा हिस्सा तथा दूसरे नाले का लगभग 15 फीट का हिस्सा बारिश में ढह गया। आपको बता दें कि नाला निर्माण की बड़ी लापरवाही बरती गई है यहाँ पर। ग्राम प्रधान श्रीमती बिमला देवी द्वारा जब नाला का निर्माण किया जा रहा था तब कई बार नाले में घटिया सामग्री से निर्माण कार्य में ग्रामीणों द्वारा खंड विकास अधिकारी श्री नित्यानंद तिवारी जी से शिकायत की गई थी, लेकिन खंड विकास अधिकारी द्वारा नाला निर्माण में सही सामग्री प्रयोग करने की बात कहकर लीपापोती कर दी गई थी। आपको बता दें ग्राम प्रधान व खंड विकास अधिकारी की मिली भगत से नाले में भ्रष्टाचार किया गया तथा घटिया सामग्री का प्रयोग करके नाले का निर्माण करा दिया गया, और आपको बता दें कि पूरा धन खाते से निकालकर आपस में बांटकर बंटा बांट किया गया जिससे अब पोल खुलने लगी है। और ग्रामीण लोग हैं उन्होंने जैसे कि शहीद अहमद, योगेंद्र सेंगर, अनिल कुमार, राजकुमार, विमल कुमार, सुरेंद्र कुमार, हनी दोहरे, अशोक कुमार, मनोज कुमार, रामाधार, देवेंद्र, श्याम जी, अश्विनी आदि लोगों ने उच्च अधिकारी से कार्रवाई की मांग की है। इस खबर में आज इतना ही, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें जिससे हम अपनी आने वाली हर खबर देश विदेश की खबरें आप तक पहुंचाते रहें। जी हाँ, आज हम इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम लेता हूं। आप लोग बने रहिएगा हमारे चैनल डीसीपी।